नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रमेश पाल सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं एक बड़ी और सुखद खबर मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश जो अभी तक टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था, अब लेपर्ड स्टेट भी बन गया है, यानी वो राज्य जहां सबसे ज्यादा तेंदुए हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ने एक जो तेंदुओं की संख्या है उसको लेकर के आंकड़े जारी किए हैं और उसके मुताबिक ये सामने निकल के आया है कि देश भर में जहां 12,000 से ज्यादा तेंदुए हैं तो वहीं अकेले मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 3,421 है। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा वन विभाग को तमाम अफसरों को बधाई दी है और घोषणा की है कि टाइगर स्टेट अब लेपर्ड स्टेट बन गया है। दरअसल 2018 के ये आंकड़े थे जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बाघों की के अलावा तेंदुओं की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। देश भर में 62% के करीब बढ़ोतरी हुई है तेंदुओं की संख्या में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन की इस रिपोर्ट से इस बात की जानकारी सामने आई है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश हमेशा से ही बाघों को लेकर के सिरमौर बना रहा है, लेकिन अब बाघों के बाद तेंदुआ जो कि वन्य प्राणियों की सूची में बेहद संवेदनशील माना जाता है वो भी अब बहुतायत में पाया जाता है पूरे मध्य प्रदेश में। यही नहीं, सिर्फ पहला स्थान हासिल नहीं किया मध्य प्रदेश ने, बल्कि पहले और दूसरे स्थान पर जो राज्य है, यानी दूसरे नंबर पर जो राज्य है कर्नाटक, उससे काफी ज्यादा अंतर से मध्य प्रदेश आगे है। जाहिर सी बात है, ये बड़ी खुशखबरी है। और जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी मध्य प्रदेश को सरकार को बधाई दी है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर वन विभाग को बधाई दी है इस बड़ी कामयाबी के लिए। और इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए इस बात का ऐलान कर दिया है कि टाइगर स्टेट अब पूरी तरीके से लेपर्ड स्टेट भी बन गया है।